आज मैं आपको कबीरदास जी के जन्म के की कथा सुनाऊंगा। कबीरदास जी का के बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। कबीरदास जी का जो जन्म है वह 14वीं शताब्दी के अंत में यानी 1398 ईस्वी के आसपास हुआ था। उनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। उनकी पत्नी का नाम लोई था। उनका एक पुत्र और एक पुत्री थी। उनका नाम कमाल और कमाली था। ये उनका पूरा परिवार था। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद है, वो रामानंद जी के शिष्य थे। चलिए आइए मैं आपको कबीरदास जी के रहस्यमयी जन्म की कथा सुनाता हूँ। कबीरदास जी के जन्म के विषय में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वानों का कहना है कि एक समय की बात है, एक मुस्लिम परिवार जो निसंतान थी वह हमेशा दरगाह में, मस्जिद में, मंदिरों में, हर जगह जहाँ भी उन्हें उम्मीद होती थी वहाँ जाकर माथा टेक कर ईश्वर से एक औलाद की कामना करते थे। एक समय की बात है, वो कहीं जा रहे थे तभी उन्हें रास्ते में एक रोते हुए बच्चे की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह दौड़कर उस आवाज़ की तरफ गए तो वहाँ एक बच्चा उन्हें दिखाई दिया। तो वह उन्हें देखकर वह बच्चा हंसने लगा, हाथ पैर मारने लगा, हाथ पैर हिलाने लगा। उन्होंने उस बच्चे को उठाया और उठाकर यह फैसला किया कि इस बच्चे का पालन पोषण हम करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं, इस बच्चे का कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अब वह बच्चा किसका है यह कोई नहीं जानता, इसीलिए उन दोनों ने सोचा यह जो बच्चा है अल्लाह की देन है, उनकी भक्ति का प्रसाद आज उन्हें मिल गया है, अल्लाह ने उनकी इच्छा आज पूरी कर दी है, इसीलिए यह बच्चा उनको यहाँ तालाब के किनारे मिला। और वह बच्चे को उठाकर अपने घर ले गए। वो दंपत्ति जोड़ा एक मुस्लिम परिवार से था और उन्होंने उसको अपना पैतृक पेशा यानी सूत काटना और कपड़े बुनना सिखाया और उनका पालन पोषण किया। कबीरदास जी का जो लगाव था वह अध्यात्म की तरफ शुरू से ही ज़्यादा रहा, इसीलिए वह कबीर, समाज सुधारक, भक्त आदि के रूप में फेमस हुए। इसके अलावा कबीरदास जी के जन्म से जुड़ी एक रहस्यमय कथा और है। कहा जाता है कि एक समय की बात है, एक विधवा ब्राह्मणी थी जिसने एक शिशु को जन्म दिया और उसने उस शिशु को लोक लाज की भय से यानी समाज के डर से, यानी समाज ये ना कहे कि तुम्हारा पति तो है नहीं तो इस बच्चा कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी वजह से उसने एक शिशु को जन्म दिया। उस शिशु को जाकर एक तालाब के किनारे सुनसान इलाके में फेंक दिया। तभी सौभाग्य से वहाँ से एक दंपत्ति जोड़ा जो मुस्लिम परिवार से था वो वहाँ से जा रहा था, जिसकी कोई अपनी संतान नहीं थी, वह हमेशा संतान की कामना करते थे। वह उस तालाब के किनारे वाले रास्ते से कहीं जा रहे थे तभी उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी और वह वहाँ गए और वहाँ तालाब के किनारे एक बच्चा उन्हें मिला। वह उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले गए, उसका पालन पोषण किया। और इस तरीके से जो बच्चा हिंदू धर्म में जन्म लेता है वह मुस्लिम धर्म में पहुंच जाता है और मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार पालन पोषण उसका होता है, जबकि उसका जन्म हिंदू परिवार में हुआ होता है, ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है। वास्तविकता क्या है यह कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों, ये कबीरदास जी के जन्म से जुड़ी कथा है। आने वाली वीडियो में मैं आपको कबीरदास जी की मृत्यु की कथा सुनाऊंगा। वो एक बहुत ही रहस्यमयी कथा है, कैसे हिंदू और मुस्लिम दोनों उनकी मृत्यु पे आपस में लड़ने लगते हैं, कैसे उनका शव गायब हो जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।